खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया। यूपी के जिला मुख्यालयों और गांवों में दिवाली तक बिजली कटौती नहीं होगी, योगी सरकार ने ऐलान किया। पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ से बर्बाद हुए लोगों ने सड़क पर मुआवजे के लिए विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में पीएमसी बैंक खाता धारकों ने मौन रहकर प्रदर्शन किया, घोटाले के आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज बढ़ी। बिहार के जहानाबाद में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने दशहरा मेले में लगाई थी अंडे और चाउमीन की दुकान। पंजाब के फिरोजपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, कल रात दिखने के बाद तलाश बढ़ी, 24 घंटे में दूसरी बार दिखा है ड्रोन। दिल्ली में चोर ने सेंध लगाकर ज्वेलरी की दुकान से 70 लाख के हीरों की चोरी की, सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। ओडिशा के रायगढ़ में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर जलाकर वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में अपराधी बेखौफ, घरों के बाहर खड़ी कई स्कूटी और बाइकों में आग लगा दी। श्रीलंका की जेल में बंद भारतीय मछुआरों को छुड़ाने के लिए रामेश्वरम में 11 अक्टूबर को हड़ताल करेंगे मछुआरे। जम्मू में बिजली के निजीकरण के खिलाफ 31,000 कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर गए। बीजेपी नेता चिन्मयानंद रेप केस की पीड़ित लड़की के वॉइस सैंपल एसआईटी टीम ने लिए, चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने का आरोप है। यूपी के हमीरपुर में जेल के अंदर कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार ने जेल में गैंगवार में हत्या का शक जताया। यूपी के बस्ती में एपीएन कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बीजेपी समर्थकों ने हंगामा किया। एमपी के मंदसौर में वीएचपी नेता की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। एमपी के उमरिया में दशहरा मेले का झूला टूटा, 10 से ज्यादा लोग घायल, मीना बाजार में हुआ हादसा। बाढ़ बारिश के बाद डेंगू की बीमारी से परेशान प्रयागराज, 10 दिन में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में लकड़ी की दुकान में भीषण आग लगने से मच गया हड़कंप, आग पर काबू पाया गया। भारत में आतंक के लिए नकली नोट भेज रहा है पाकिस्तान, नेपाल बांग्लादेश के जरिए नकली नोट की खेप आ रही है। हिमाचल के डलहौजी में मौसम बदला, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, तापमान गिर गया। हिमाचल के धर्मशाला में बदला मौसम, तेज बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान गिर गया। लिथियम बैटरी के विकास के लिए 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के वैज्ञानिक।